पेपर्स निकाले एक लिफाफे से। अफशां का हाथ पकड़कर कहने लगा, जानती हो ये पेपर्स किस चीज के हैं? अफशां का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारम? यह हम दोनों की खुशी है अफशां। बताओ सारम ये क्या है? वो प्यार भरे लहजे में बोला, ये हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशां को यकीन नहीं हो रहा था। अफशां ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशां कुर्सी पे बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। सारम, इतनी मोहब्बत। सारम की आंख से पहली बार आंसू छलका था। सारम ने कांपती हुई आवाज में कहा, अफशां एक चीज मांगू? अफशां ने हां में सर हिला दिया। अफशां हमेशा खुश रहना। जानती हो तुम परी सी हो, मासूम सी, बहुत प्यारी हो तुम। मैं बहुत खुश नसीब हूं तुम जैसी हमसफर मिली मुझे। अफशां हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, लेकिन हमने कभी एक दूसरे को सीने से नहीं लगाया। मुझे आज सीने से लगा लो ना। अफशां ने ना चाहते हुए आज सारम को सीने से लगा लिया। सारम जोर से सीने से लगा, रोते हुए कहने लगा, ये बाहें क्या पता फिर नसीब हो ना हो। इतना कहकर सारम कमरे में चला गया। अफशां को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सारम को क्या समझती रही? सारम कितना अच्छा इंसान है, कितना बुरा सलूक किया मैंने सारम के साथ। अफशां का दिल चाह रहा था कि सारम की बाहों में समा जाए। सारम की बेपनाह मोहब्बत, 2 साल में सारम को इग्नोर करती रही। सारम फिर भी मुझे चाहता रहा।